मैडम, तो गाइस मैं जा रही हूँ हिडन पार्क और मेरे साथ देखिए कौन है, बाबू, उसके पापा और छोटा और उसका फ्रेंड भी है। तो चलिए, और अभी ब्रिज के आसपास हूँ, क्रॉस करके जाना पड़ता है। गाइस आगे पार्क में, तो चलिए गाइस चलते हैं। कभी चढ़ा नहीं ना, थक गया, और छोटा सा पोटली लेके तो और भी थक गया। ऐसा कोई थकता है? पोटली भी है, इतना बड़ा है क्या? बाबू देखिए डर रहा है, लगा गिर ना जाए। नहीं क्या थक गया? मेहनत ही लड़का नहीं है इसलिए थक गया, नहीं तो क्यों थकना है तुम्हें। हाँ गाइस, इतना धूल है, आपको क्या बताऊँ, फेस पाउडर की जरूरत नहीं, इतना धूल है। चलिए साइड पे मत जा, जा रहा है ना। गाइस अभी टिकट लेना पड़ेगा, पर हेड 100 जो बेग कैरी कर रहा है ना, इसमें खाना है, क्योंकि हम लोग तो चिकन नहीं खाते हैं ना, तो इसीलिए खाना वाना पानी ये सब है। पर हेड कितना है? 100 रुपये। और बच्चे का? बच्चे का 5 बच्चे या 10 बच्चे फ्री है। और इसके बाद कितना है? इसके बाद तो 10 साल का नीचे 50 रुपये। और दिन में कितने लोग आते हैं यहाँ पे? 15-16। इतने कम आते हैं वैसे ना, ज़्यादा लोग नहीं जानते इसलिए शायद, नहीं सभी को पता नहीं। और कितना दिन हुआ है ये ओपन हुआ है? ओपन तो दिसंबर से। नो गाइस, नो गाइस, देखो गाइस मेरी बेटी और उसका फ्रेंड अब ओपन लगते हैं। ये बैठने की जगह है, देखिए गाइस ये बेम्बो से बनाया गया है, देखिए सब कुछ है, चार टेबल पीते सब कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। बाबू डोरेमोन, डोरेमोन, तो गाइस चलिए बच्चों को आपसे मिलवा देती हूँ। बच्चे आए 1 घंटा हो गया है और मैं आई हूँ लेट से, बच्चे कैमरा शाही है तो इसलिए सामने से आपसे मिलवा नहीं पाऊंगी। तो देखिए जो स्माइल कर रहा है ये ओम है, साथ में प्रीतम जो हाई कर रहा है, सुहानी है, गौरव है, विवेक है और गुनगुन है मेरे बेटे को, तो आप लोग जानते होंगे। कैमरे के पीछे मेरे बेटी है, बाद में आपसे मिलवाऊंगी। और गाइस इस पार्क में बारे में कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, पर हेड जो 100 रुपीज़ दिया जाता है, इसमें आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा जैसे कि केक और इसके साथ अंडा बॉयल और फिर आपको चाय भी मिलेगा, तो ये ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा। और आपको एक्स्ट्रा आपको लंच लेना है तो आपको पे करना पड़ेगा। गाइस ब्रेकफास्ट में मैं क्या सर्व करी हूँ आपके साथ शेयर नहीं किया है, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे मसाला पूरी बनाया है, इसके साथ मसाला पनीर बनाया है, बैंगन के भजिया, साथ में रसगुल्ले गुड़ के और फिर बॉयल किया हुआ अंडा, और मेरी बेटी ने बनाया है
खीर जो बच्चे को बहुत पसंद है, सभी बच्चे खीर पसंद करते हैं, इसलिए मेरी बेटी ने बनाया है। और गाइस क्या है कि मेरी बेटी का एक फ्रेंड है गुनगुन, आपने देखा बहुत ही मेहनती लड़की है, उसने सुबह सुबह ही इतना मेहनत करके बिरयानी और यानी कि वेज बिरयानी और इसके साथ पुदीने का पराठा जो कि बहुत ही मेहनत से बनाया है और रेस्टोरेंट से ये बटर पनीर भी लाई है, क्योंकि उसने कहा था कि पनीर घर पे बनाएगी पर इतना सुबह सुबह इतना सारा लड़की को मेहनत करना पड़ेगा तो सभी ने मना कर दिया। और गाइस कह कि लड़के सभी मिलकर ना चिकन का बहुत सारे डिशेस लाए, जैसे कि चिकन बिरयानी, चिकन चिली चिकन और इसके साथ बटर चिकन ये सब, और साथ में पनीर का और बिरयानी भी एक्स्ट्रा लाए। तो ये सब वे लंच टाइम आपके साथ मैं शेयर करूँगी। गाइस देखिए मेरे बच्चे खा रहे हैं अभी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा प्रीतम कैसा लग रहा है? अच्छा है क्या? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। सुहानी बहुत अच्छा लग रहा है। और गौरव बहुत टेस्टी है, होममेड लगा है। होममेड होममेड रेस्टोरेंट। हां रेस्टोरेंट हो। और तुम्हारा क्या नाम है उसका? विवेक। विवेक बेस्ट बेस्ट। और सोना मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सुहानी ना कौन सबसे पहले जाएगा? तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो केक कटिंग हो रही है और दोनों बच्चों का आज बर्थडे है, तो आप लोग भी इनको विश कर देना, इनको आशीर्वाद करना कि इनका जीवन बहुत ही सुंदर बने। और गाइस आप लोग तो जानते होंगे कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं और मैं बच्चों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। मेरा बेटे का उम्र का हो या बेटी का उम्र का हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जो हम उम्र है ना, ये संसार की बातें करते हैं, टेंशन वाली बातें करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि क्या कि गाइस है, खुद के जीवन में इतना टेंशन है कि दूसरों का टेंशन सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ना बच्चों का बातें मुझे अच्छा लगता है। और देखिए बच्चे कितने खुश है, बर्थडे मना रहे हैं, तो आप भी उनको आशीर्वाद करना। पिनांग दे। कहाँ से हो? सिलचर से। और तुम्हारा नाम? अमन है। अमन अमन कहाँ पे रहते हो? जानीगंज। कुछ कहना चाहते हो? पेज है आपका, पेज का लिंक दे दो मेरे व्यूअर्स को। राइट टू बड़ा फेसबुक के लिए अपना पेज है। हां ठीक है। तो कुक कर लेता हूं अभी। क्या कुकिंग क्या जा रहा है? चिकन विकन सब कुछ है? नहीं चिकन मछली मछली पनीर। पनीर का एक थाली कितना है? 15 रुपए का पीस। 250 का राइस क्या या बिरयानी? राइस राइस के साथ या बिरयानी? राइस के साथ 250 का है। नहीं और फिश भी? फिश कितने का है? फिश 180। और कितने बजे मिल जाएगा खाना वाना ये सब? दो बजे। दो बजे के बाद? दो बजे। यहाँ पे बुकिंग किया जाता है क्या? बुकिंग पहले से। आइटम में क्या क्या है? दाल से लेके सब कुछ है? दाल से लेके भजिया ये सब, पापड़ और दाल भजिया पापड़ ये सब। अभी भैया क्या कर रहे हैं? पनीर। पनीर क्या कर रहे हैं? पनीर वैसे कड़ी नहीं बना। गाइस पनीर कड़ी चल रहा है और ये राइस नहीं और रोटियां ये सब नहीं मिलता है? पराठा मिलता है। पराठा पराठा कितने का है? 20 रुपये। और इसके साथ क्या? सब्जी चिकन। चिकन वेज में पनीर होगा? नहीं वेज में पनीर। और आप लोग ये चूल्हे से ही पकाते हो? गैस वेज नहीं। अच्छा है लकड़ी के जो चूल्हे है, अच्छा है सेहत के लिए। ठीक है नीचे वॉशरूम है। देखिए देखिए लंठन में लाइट है। देखो लंठन में लाइट। हाय तुम्हारा नाम क्या है? मेरा एक चैनल है 3-9 ब्लॉगिंग चैनल। क्या है? मेरा नाम सुमी भूमिक है। और कहाँ से आए हो आप? सिलचर से। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है।
तो गाइज देखिए बच्चे अभी खेलकूद कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं और मुझे कह रहे थे कि आंटी तुम आओ, पर मेरा ना क्या हुआ कि गाइस आप लोग तो जानते होंगे मेरे पैर टूट गया और अभी पहाड़ चढ़ के इतने ऊपर चढ़ के आई और पैर में अभी दर्द कर रहा है, नहीं तो इनके साथ मैं भी खेलती पर पैरों में इतना दर्द था आपको क्या बताऊं। गाइस गाड़ी भी देखिए पहाड़ पे चढ़ा दिया है। गाइस मैं बैठी हूँ और बच्चे खेल रहे बैडमिंटन। ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर कर नहीं पाऊंगी, पहाड़ में चढ़ना पड़ता है और मेरे पैर में दर्द है तो इसीलिए ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर कर नहीं पाऊंगी क्योंकि इधर उधर जाना पड़ता है और मेरे पैर में इतना दर्द है गाइस क्या बताऊँ। तो इसीलिए चलिए जो कुछ भी होगा सुबह शेयर करेंगे। तो चलिए till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. विवेक कहो हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, अच्छा लगा।
गाइस अभी जाएंगे घर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।